नमस्कार, जिंजर कुकीज़ फार्म वीडियोस में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो महाराष्ट्र स्टेट के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से कर रही हूँ, हमारे छोटे से पापरी गांव से। ये वीडियो देखकर आपको ज़रूर समझ में आए होंगे ये केसर आम का खेती है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया होगा ये खेती एक नया टेक्निक से तैयार किया है। जिस नया टेक्निक से ये केसर आम की खेती तैयार किया है उसे इसराइल मॉडल अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहते हैं। ये कैसे बनाया है ये मैं आपको समझाती हूँ, आइए। आज का सदी में आम का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में भारत आगे है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन और UHDP नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी आसान तरीका है। जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें एक एकड़ में तकरीबन 30 से 40 आम के पेड़ लगता है, क्योंकि हाइट में काफ़ी लंबा और फैले हुए होते हैं। इस वजह से आम को पेड़ों से निकालना भी मुश्किल होता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी आम का कलर और शेप मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन UHDP से ये सब मुश्किलें आसान हो जाता है। इस टेक्निक में आम के पौधे लगाने के लिए पहले मिट्टी का pH 6.5 टू 7.5 के रेंज में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मिट्टी में जिप्सम सही मात्रा में डालकर pH मेंटेन कर सकते हैं। मिट्टी में 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का खड्डा खोदकर आम के पौधे 3 मीटर बाई 2 मीटर डिस्टेंस में लगाया जाता है। इसे एक एकड़ में करीबन 600 पौधे लगा सकते हैं। शुरुआत के दौर में पौधे को 4 लीटर पर आवर पानी ड्रिप सिस्टम से पौधे से 1.5 फीट डिस्टेंस में दिया जाता है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स जैसे NPK, यूरिया आदि ड्रिप सिस्टम से देते हैं। एक साल के बाद पानी को 10 लीटर तक बढ़ाना है। जब ये पौधे 3 फीट के हो जाए इनके टिप्स को थोड़ा काट दिया जाता है ताकि ये 2.5 फीट के रहे। जब इनको ब्रांचेस आना शुरू हो जाए तब सिर्फ 3 ब्रांचेस को छोड़कर बाकी सारे ब्रांचेस काट दिए जाते हैं। जब इन ब्रांचेस को 3 ब्रांचेस और आए यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है। अंत में पेड़ के हाइट 7 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए फल निकालना भी आसान हो जाता है। इस टेक्निक को ट्रेनिंग कहते हैं और पहले 3 साल में पेड़ को अम्ब्रेला शेप मिल जाता है। दूसरा साल में पेड़ को प्रूनिंग करना चाहिए। इससे पेड़ों को धूप और एयर सर्कुलेशन मिलने के कारण काफ़ी अच्छा ग्रोथ होती है। प्रूनिंग और ट्रेनिंग से 90% एक्सपोर्ट क्वालिटी आम के उत्पादन की उम्मीद रख सकते हैं।
प्रोडक्शन को सामान्य रखने के लिए फ्लावरिंग पीरियड से पहले सितंबर महीने में पैक्लोब्यूट्रोसोल नाम का 1 ml ग्रोथ रेगुलेटर 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, ताकि हर साल आम का उत्पादन अच्छा मिल सकता है। आशा करती हूँ इतना हरा भरा खेत के वीडियो देखकर आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।